क्या आपके पास गुप्तचर से कोई खबर आई है? नहीं प्रभु, आज के युद्ध की मेरे पास कोई खबर नहीं है। मेरा मन चिंतित होता है विभीषण जी, बोली प्रबल है। ये क्या हो गया? ये तो हनुमान की आवाज है। हनुमान, लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये क्या हुआ? लक्ष्मण भैया, हनुमान, ये क्या हुआ? लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, आज के युद्ध में भगवान मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया को ब्रह्म शक्ति मार दी। क्या कहा? ब्रह्म शक्ति? लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे जीवन के आधार, मेरे भाई, कुछ तो बोलो लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण कुछ तो बोलो मेरे जीवन के सहारे, मेरी आंखों के तारे, दुलारे लक्ष्मण कुछ तो बोलो। अवश्य अवश्य मैंने ही कोई पाप किया होगा जो मुझे आज यह दिन देखना है। ऐसा ही कोई उग्र पाप मैंने किया, ऐसा ही कोई उग्र पाप मैंने किया, ना जानू का तो पर मैं दुख मुझे को है दिया, ना जानो का को परम दुख मुझे को है दिया। देखो पिता ने तज दिया, सीता हरी गई, देखो तज दिया सीता हरी गई, एक आसरा था लखन ये, एक आसरा भाई मेरा ईश्वर ने ले लिया, ऐसा ही को उग्र पाप मैंने किया। यह मेरे कोई कर्मों का फल है जो मुझे यह। हे नाथ, आप निश्चित रहिए। निश्चित रहूं मैं? मेरा लक्ष्मण,
मैं अभी किसी वैद्य का इंतजाम करता हूँ। लक्ष्मण जी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। शीघ्र कुछ तो प्रयत्न करो विभीषण जी। क्या आपको किसी वैद्य का पता है? लक्ष्मण भाई लक्ष्मण हे बजरंगी हे हनुमान आप देर ना लगाओ। ये तो लंका पे एक सुसैन बैठ जी मुझे कौन भाई कहेगा उन उनको शीघ्र लेके अति शीघ्र लेके आओ। उसको बोलो भैया जो आ गया बोलो। अरे अरे हे नाथ मैं अभी सुसैन वैद्य को लेके आता हूँ। शीघ्र अति शीघ्र लाओ हनुमान नहीं तो राम अपने प्राण त्याग देगा। बोल सियापति रामचंद्र की। भैया भैया क्या कहूंगा जब माता सुमित्रा पूछेंगी कहाँ है लखन कहाँ क्या जवाब दूंगा मैं। माँ ने कहा था जिस तरह तीनों जा रहे मन को उसी तरह सीता पहले ही छोड़कर चली गई अब तुम भी। भैया लक्ष्मण कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। विभीषण जी भैया आइए सुषेण वैद्य जी शीघ्र आइए। शीघ्र आइए विलंब न कीजिए और परीक्षा ना जीते जी मर गया शीघ्र भैया आराम से आए। लक्ष्मण बस एक बार मुझे भैया कर पुकारो ये पहुंचते नहीं पहुंचते वहां तक आप शीघ्र लेके चलिए इन्हें शीघ्र पर किसी में डालो एकदम आराम से है शीघ्र चलिए बेहतरा शीघ्र चलिए भैया आइए वेदराज शीघ्र आइए हे नाथ मैं वैद्यराज सुसैन को लेके आ गया। हे वैद्यराज जी कृपया करके मेरे भाई को सचेत कर दीजिए ये राम आपका ऋणी रहेगा। मैं किस तरह आपका काम करूं अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति का आराम करूंगा जिस पर प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। कर्म हे राम आज्ञा देते हो इस तरह किस काम किया जाए। धर्म अधर्म हेतु निज राज गया श्री पितृदेव का मरण हुआ जिस धर्म हेतु मेरा भरत मुझसे छूटा और सिया प्यारी का हरण हुआ। हे वैद्य
अगर उस धर्म शक्ति पर मेरा लक्ष्मण भी यदि पड़ता है तो मर जाए। बस बस आवाज यही होगी अपनी, धर्म नहीं जाने पाए पर वचन रहने पाए। प्रभु सचमुच है धर्म अवतार आपका, मैं दर्शन पाके धन हुआ। मेरा जीव जड़ शरीर शब्दों से चेतन हुआ। लंका में कल भी सुसैन है नहीं दशानन का, भैया सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। प्रभु मैं भी देखता हूँ, शीघ्र देखिए शीघ्र देखिए। कैसे है ठीक है ना लक्ष्मण? भ्राता अरे बैठे तक कमजोर में ध्यान रखना। क्या हुआ वैद्यराज? हे प्रभु ये काम अत्यंत एक उपाय तो है, उपाय शीघ्र बताइए कौन सा उपाय, लेकिन अत्यंत दुर्बल बहुत कठिन उपाय है। कठिन उपाय मेरे लक्ष्मण के प्राणों से भी और क्या कठिन होगा इस राम के लिए। प्रभु सूरज उगने से पहले मिल जाए दवा तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। जिसने निर्जीव किया तन है अत्यंत दूर है औषधि, वह आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा कौन है योद्धा इस कपिदल में जो राती रात में बूटी ले आए। यह कार्य और कोई नहीं कर सकता, शीघ्र शीघ्र जाकर रात ही रात में औषधि ले आओ। मर्दन बस कहाँ जा रहे हैं? बस हम लक्ष्मण के प्राण तुम्हारे हाथ में। हनुमान बैठ के देखते हैं, बेचैनी हो रही है इनको सब। भूतल में हो या नम में हो, वत में हो या सागर में हो, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। बदलाओ उसका रूप रंग, तभी वो हाथ मेरे आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो दिन से पहले आ जाएगी। हे बजरंगी हे हनुमान, तुम ले आओ औषधि वह। वैद्य जी मैं समझ गया, प्रभु आज्ञा दीजिए मैं शीघ्र ही आता हूं और रात ही रात मैं बूटी ले आती हूं। शीघ्र ही शीघ्र लेकर आना। जो आज्ञा महाराज। बोल सियावर रामचंद्र की। द्रोणागिरी पर्वत को
सी बूटी होगी इसमें। कहाँ से होगी ऐसी बूटी? ये भी नहीं। ये भी नहीं। वैद्यनाथ जी ने बोला था कुछ चमकीला चमकीला सा होगा, परंतु यहां तो सब ही चमक रहा है। अब मैं इसे कैसे पहचानूंगा, क्या करूं? ठीक है, मैं ये पूरा पहाड़ ही उठा लेता हूं और शीघ्र प्रभु के पास ले चलता हूं। श्री राम बोल, सियावर रामचंद्र की। हे सूर्यदेव, तुम ध्यान रखना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश रघुवंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक जड़ी बूटी ना पहुंचा दूं मैं। तुम उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट मिटा दू सा मैं। बोल सियापति रामचंद्र की। पंच तत्वों में से एक वायुदेव के पुत्र अरे आप सबको मैंने क्या बोला था, यानी लाइन नहीं भरनी ना। देखो आप कोई आप आएगा, ये तो देखो आप लोग सबसे पीछे जाओ यार। तो आप यहाँ पे जाने वाला रास्ता बना के रखो, थोड़ा इधर करो, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो।
आशीर्वाद कीजिए प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की। इन्हें रखने से क्या लाभ है हनुमान जी का अभी तक कुछ पता नहीं। हनुमान जी आते। हनुमान जी मान। अरे ये, अरे अरे हनुमान जी, आपसे तो एक जड़ी बूटी मंगाई थी, आप तो सब पर्वत ही उठा लाए। जय श्री राम। आप चिंता ना कीजिए भगवान, लक्ष्मण भैया शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। प्रभु इसको पीते ही अभी ठीक हो जाएंगे। भूल जाओ
अच्छा एक स्वप्न समान था, तुम विश्राम करो जो भीषण जी। महाराज जैसे ही मालूम पड़ेगा मुझे गुप्तचर मेरे सुजीत कर। ठीक है बोल सिया और राय वचन की।